सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो देखो, आज का वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आप सभी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होने वाले फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर देखो, बहुत सारे कोर्स के फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि 4-5 दिन से रुके हुए थे, तो देखो आज का ये वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सुबह वाली वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट कट ऑफ, चाहे वो मेन कैंपस से हो या फिर एफिलेटेड कॉलेज से हो, CUET UG से हो या फिर PG से, सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ साथ ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आप आपस में उनसे डिस्कस करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो वैसे आज तो बहुत सारे कट ऑफ्स भी आए हैं मेन कैंपस से रिलेटेड, बट इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप नहीं करवा पाओगे तो आपका जो काउंसलिंग है वो रद्द हो जाएगा, आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सभी को पता होना। देखो, MA MSc स्टैटिक्स 2024-25 के लिए आप सभी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं वो 22 से 28 तारीख तक थे, तो आज 27 तारीख है। आज आप सभी जाकर फटाफट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, 10 बजे से 5 बजे तक आप सभी के हैं। मैं बार बार पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, ऐसे बता दूंगा कि किस किस कोर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बस, ठीक है। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट नोटिस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, तो आप सभी के सामने है MTech मटेरियल साइंस की, आप सभी की आज फाइनली लास्ट डेट है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। 11 बजे से 4 बजे तक आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है आप सभी को तो पता ही होगा, तो डॉक्यूमेंट प्लीज मिस मत करना, अदरवाइज वहां पर आप सभी को प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट, आप सभी के सामने है इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज से आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो 27 तारीख को एंड 28 तारीख को 2 दिन होने हैं। तो 27 तारीख को जनरल कैटेगरी वाले जाएंगे, ऐसा नहीं करना आप सभी की पहुँच जाओ वहाँ कैंपस में फिर बाद में मैसेज करते हो। बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं, फिर मैसेज करते हैं कि वो बोलते हैं भैया मैं तो कॉलेज चला गया था तो वहाँ पर मेरा हुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करो एंड वीडियो को पूरा देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आज क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। एंड OBC EWS एंड SC वालों का जो है, SC ST वालों का, वो 28 तारीख को है, ठीक है। तो केवल जनरल वाले आज जा सकते हैं। स्पोर्ट कोटा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MA में जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है वो आज यानी कि 10 बजे 27 तारीख को कैंपस जरूर पहुंच जाए, ठीक है, 27/8/2024 को। बाकी सबका डेट यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का आप सभी का जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होना था उसकी डेट जो है वो 31/8/2024 है। इसकी पूरी जो टाइमलाइन है, प्रक्रिया है काउंसलिंग का, वो सब मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि इतने सारे प्रक्रिया डेट्स आप सभी के सामने हैं, जैसे 31/8/4/9/5/9, तो ये सारे डेट्स हैं, आप सभी देख लीजिएगा। कोर्स वाइज हैं तो मैं टेलीग्राम पर आप सभी को शेयर कर दूंगा, ठीक है। स्पोर्ट कोटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि क्या क्या करना है। 50 मीटर आपको स्प्रिंट करना है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करना है, ओवरहेड बैक थ्रो करना है एंड 1000 मीटर आप सभी को रन या फिर वॉक, मतलब रन ही करना है, वैसे वॉक तो बोलते हैं बस। एंड आप सभी को अपने प्रॉपर किट के साथ जाना है, तो मतलब जिस भी आप स्पोर्ट में अप्लाई कर रहे हो उसकी किट आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप वहाँ पर एंट्री नहीं ले पाओगे। नेक्स्ट, आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडी से, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो 27/8/2024 यानी कि मंगलवार को, आज के दिन इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेकर जाने हैं, हालांकि इसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो अपडेट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, मतलब पहले से ही वीडियो है तो सभी लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि CMP की कल कट ऑफ आ चुकी थी, LLB LLM की एंड बाकी और कोर्सेज की, तो कट ऑफ काफ़ी कम हो गई है एंड ST वालों के लिए तो ऑल कैंडिडेट भी हो गई है। तो ये कट ऑफ है, आप सभी देख लीजिएगा, आज ही इसकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग इसकी ऑनलाइन होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। CUET UG वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उनकी जो काउंसलिंग है वो इसी सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगी, तो यानी कि 30 से 31 के आसपास उन लोगों के काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज है 27, 2 से 3 दिन में उन सभी के काउंसलिंग स्टार्ट होने के पूरे पूरे उम्मीद हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो 27/8/2024 के लिए है, तो इसकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कट ऑफ की डेट क्या है, क्योंकि CMP की तो ऑनलाइन होती है, आप घर बैठे कभी भी कर सकते हो, लेकिन इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की ऑफलाइन होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आप सभी को जाना है वहाँ पर। तो इतनी कट ऑफ से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है।
एलएलएम की कट ऑफ है, एलएलबी की अभी तक कट ऑफ नहीं आई थी, तो कुछ दिन में आप सभी की कट ऑफ आ जाएगी, हो सकता है आज ही शाम तक आप सभी के कट ऑफ आ जाएं। मेन कैंपस के आप सभी देख सकते हो, एलएलबी की कट ऑफ आ चुकी है, नेक्स्ट कट ऑफ जो कि कल मैंने अपडेट कर दिया था, एमएमएससी एंथ्रोपोलॉजी नॉन सब्जेक्ट की कट ऑफ आ चुकी है एंड एमए इंग्लिश लिटरेचर की कट ऑफ आप सभी के सामने आ चुकी है, जिसकी काउंसलिंग आज 27/8/2024 से है। तो एमए इंग्लिश लिटरेचर की कट ऑफ बहुत दिन बाद आई है, लगभग आइए आप सभी के 14-15 दिन बाद कट ऑफ आई है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ परेशान नहीं होना है, कट ऑफ एक बार तो आएगी ही आएगी, हालांकि अब इसके बाद बहुत कम चांस है कि आप सभी के कट ऑफ आएंगे। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर अभी तुरंत ही इसको शेयर कर दे रहा हूँ। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।